धोवा स्टेट बैंक के सामने वाली गली में पीके रानी मुख्य वक्ता प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिहोवा शाखा के तत्वावधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता में बताया गया कि अखिल भारतीय प्रदर्शनी बस अभियान कार्यक्रम जो 2017 से 2020 तक जिसका आयोजन हजारों गांव, कस्बे एवं शहरों में होगा। 20 अगस्त को ये यात्रा पिहोवा पहुंचेगी। पिहोवा ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन की भी और बड़ों की भी सबका भविष्य बनाने वाला होता है, तो इसलिए युवाओं के लिए जागृति की बहुत आज ज़रूरत है। अगर युवा जाग जाए तो सारा विश्व ही जाग सकता है, तो ये युवाओं के लिए विशेष जागृति के लिए कि आज का जो युवक है वो अपने अच्छे ऊंचे श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर के वो ऐसा ऊंचा लक्ष्य ले कि मुझे ऐसा संपूर्ण देवता रूप बनना है, और औरों को भी जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम आज तक देवताओं को पूजते आ रहे हैं और हमारी जो ये देव भूमि है, भारत भूमि है, तो इनको फिर से हम कैसे मनुष्य को, मानव को, जो आज मानव भी नहीं रहा, उनको फिर से कैसे देवता बनाया जाए। तो अगर आज युवा अगर ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प अगर ले ले कि मुझे ऐसा श्रेष्ठ योग्य बन करके देवताओं जैसे संस्कार धारण करके अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र बना करके औरों के भी जीवन को पवित्र बनाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प लेके वो अन्य को भी जीवन के परिवर्तन के वो निमित्त बने, और निर्माण जरूर होगा। तो ऐसा युवा निमित्त बने और नव निर्माण का कार्य करते हुए वो आगे बढ़ता चला जाए, तो ऐसा श्रेष्ठ संकल्प लेते हुए ये एक यूथ रैली जो है वो चल रही है। तो इस प्रोग्राम में आप सभी को भी मैं निमंत्रण दूंगी कि आप भी उस दिन आएँ और इस प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करें।